नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश में आज से बजट सत्र का शुरुआत हुआ है और विधानसभा में बजट सत्र के शुरुआत से पहले ही जोरदार हंगामा हुआ। आपको बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। सरकार के खिलाफ जो है उनकी योजनाओं को लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा विरोध किया गया। और वहीं सपा नेता मनोज पांडे और सपा नेता नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, विधानसभा के अंदर लोगों की समस्याओं को नहीं सुनी जाती है और विधानसभा के अंदर जो विधायक प्रश्न उठाते हैं उसका जवाब नहीं दिया जाता है। देखिए, विधानसभा के बाहर जिस तरीके से हंगामा हुआ और ये हंगामा विधानसभा के अंदर भी जारी रहा। इस साल का पहला सत्र है तो इस वजह से जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के सामने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत हुई। आनंदीबेन पटेल ने जो है अपने अभिभाषण में सरकार की योजना और सरकार के द्वारा किए गए कामकाज के बारे में उन्होंने ब्यौरा दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक, विपक्ष के विधायकों द्वारा जोरदार हंगामा किया गया और गो बैक के नारे भी लगाए गए। हालांकि बाद में राज्यपाल नाराज भी हुई और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जाने वाली। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया विधानसभा के अंदर। और आपको बताते चलें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई है और अब जो है राज्यपाल का अभिभाषण खत्म भी हो चुका है। अब धीरे धीरे जो है सत्र की का काम जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और वहीं योगी आदित्यनाथ ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते समय ये भी कहा कि ये जो सत्र है पूरे साल की आय की गणना होगी और पूरा 25 करोड़ की जनता जो है सरकार को आशा और उम्मीद का केंद्र मानकर देख रही है और पूरे 25 करोड़ की जनता के लिए ये पूरा बजट सत्र होने वाला है। खैर, इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। धन्यवाद।